ये बेहद ऐतिहासिक क्षण न सिर्फ भारतीय सेना के लिए बल्कि हर भारतवासी के लिए ये गौरव से भर देने वाला क्षण है। वो तस्वीरें जो कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को गर्व महसूस करवाएंगे। जी हाँ, अर्जुन मुख्य टैंक MK-1A जिसको आज सेना को सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये सीधा तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं, शनई की ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर। बहुत अहम स्वदेशी विकसित अर्जुन टैंक सेना को आज सौंपा जाएगा। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूर्णतः स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और बड़ा कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं चेन्नई और ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक MK-1A सेना को सौंपा जाएगा, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हिंदुस्तान का एक बड़ा और अहम कदम। देश में ही निर्मित लड़ाकू विमान तेजस की सफलता के बाद एक और स्वदेशी युद्धक टैंक जो कि आज सेना में शामिल होने के लिए पूर्णतः तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। स्वदेश निर्मित टैंक अर्जुन आज यानी कि 14 फरवरी को सेना में शामिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री वहां पर। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के अधिकारियों ने इसकी पूरी जानकारी दी। भारतीय सेना में शामिल होने वाला है और ये भी बता दें कि 118 अर्जुन टैंक हैं जो कि सेना में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने सभी 118 अर्जुन टैंक को सेना में शामिल करने की मंजूरी दी है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री इस वक्त हर तस्वीर हर एक पल का लगातार मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। साथ ही साथ तमाम सेना के अधिकारी जो वहां पर मौजूद है उनसे भी जानकारी ली जा रही है। 8400 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है, DRDO ने ही विकसित किया है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति और उनकी उपस्थिति में ही चेन्नई में अर्जुन टैंक का उन्नत वर्जन सेना में शामिल हो जाएगा। टैंक है वो देश में डेवलप किया गया है, DRDO ने उसको पूरी तरह से डिजाइन और विकसित किया है। एक वक्त था जब हम इसके बारे में सोचा करते थे, हमारा सपना था, देश का सपना था। आज सेना में शामिल होगा और इसके बाद और बख्तरबंद रेजिमेंट बनाए जाएंगे। इससे पहले भी आपको बताएं कि 124 टैंक सेना में शामिल किए जाने के बाद रेजिमेंट बनाई गई थी और अब रेजिमेंट गठित करने के लिए ही टैंकों की संख्या 6 कम की गई। प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल आपको बताएं तस्वीरें लगातार जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं और फिर इसके बाद एक बड़ा तोहफा आज जो सेना को दिया जाएगा। लगातार आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक तस्वीर और हर जगह का जायजा लेंगे। सीधा चलेंगे मंजीत नेगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत अहम दिन मंजीत, हिंदुस्तान के लिए आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और बड़ा और अहम कदम। लवजोत, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ने 83 LCA तेजस को शामिल करने का एक बड़ा फैसला किया था और उसके बाद अब MVT अर्जुन जो कि लंबे समय से भारतीय सेना में शामिल होने की राह देख रहा था उसको अब उसको शामिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यहाँ तमिलनाडु में जहाँ पर इनका उत्पादन हो रहा है, DRDO काफी लंबे समय से इस पर काम कर रहा था। एक तरह से मेक इन इंडिया को लेकर जो खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल रही है अब तक उस तरफ एक बड़ा कदम है, क्योंकि काफी लंबे समय से हमारी जो टैंकों की जरूरत रही है भारतीय सेना की वो रूस से आते रहे हैं। और चाहे T-90 टैंक की बात की जाए, T-72 टैंक की बात की जाए, जो अभी तक दो बड़े टैंक भारतीय सेना के बेड़े में हैं, लेकिन MBT अर्जुन पूरी तरह से स्वदेशी है और एक तरह से आने वाले दिनों में मुख्य युद्धक टैंक की भूमिका निभाएगा भारतीय सेना के लिए। और खासतौर से पाकिस्तान और इस वक्त चीन से लगी जो सरहद है, हमने हाल में देखा कि चीन से लगी तनाव के दौरान भी चुमार में खासतौर से 12,000-13,000 फीट की ऊंचाई पर टैंकों की तैनाती की गई थी, T-72 टैंक वहां पर तैनात किए गए थे। तो अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह से अब भारतीय सेना में एक तरह से आधिकारिक तौर पर MBT अर्जुन को शामिल किया है, तो बहुत जल्द इनका उत्पादन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री के शामिल करने के बाद अब इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं मजीद, साथ साथ प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे भी हैं और कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे, लेकिन उससे पहले बड़े गौर से टैंक को देखा, परखा, अधिकारियों के साथ बातचीत भी की प्रधानमंत्री ने। मजीद, यहाँ पर उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं जो उनको जानकारी दे रहे हैं, ब्रीफिंग दे रहे हैं इस टैंक के बारे में। और ये एक लंबे समय से जरूरत रही है भारतीय सेना की, क्योंकि खासतौर से कुछ देरी से DRDO की तरफ से भी देरी हुई है। मंजीत, हम लौटेंगे आपके पास और इस बीच
ये भी तस्वीरें काफी हैं प्रधानमंत्री अर्जुन टैंक M1A देश को समर्पित करने वाला है वो तस्वीरें। सबसे पहले टैंक का निरीक्षण किया सेना के अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और अब कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। தற்பொழுது புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் மற்றும் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களின் திருவுருவப் படங்களுக்கு மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் जयललिता को नमन किया और फिर उसके बाद अब आप देखिए कि इसके बाद बहुत अहम दिन है आज का क्योंकि चेन्नई की तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर युद्धक टैंक आज सेना को सौंपेंगे और ये वो तस्वीरें चेन्नई दौरा भी काफी अहम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वो तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। मोदी मोदी या आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं और தற்பொழுது சிறப்பு விருந்தினர்களை சிறப்பிக்கும் நிகழ்வு மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் கை और परियोजनाएं हैं जिनकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री को रखनी है। பொன்னாடை வழங்கி சென்னை के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जुन टैंक M1A देश को समर्पित किया और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं जिनकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। 118 अत्याधुनिक अर्जुन टैंक।